स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे जियोथर्मल फ्यूचर के बारे में। तो जैसे मैंने कल का वीडियो में बताया था, जियोथर्मल पावर में काफ़ी सारे पावर हैं लेकिन काफ़ी सारे लिमिटेशन हैं, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम लोग का करंट, मतलब अभी हाल फिलहाल में समस्या क्या है? समस्या सबसे पहला है कि हम लोग बहुत गहराई में नहीं जा सकते। जैसे आप लोगों को पता है कि धरती के गहराई में बहुत गर्मी है, तो गर्मी तो बहुत है लेकिन हम लोग वहाँ तक जा नहीं पा रहे, तो उसको निकाल नहीं पा रहे। दूसरा, अगर आप वहाँ तक चले भी गए तो आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कीजिएगा? आप तो ऐसा नहीं है ना कि मैग्मा को ऊपर लाइएगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कीजिएगा ये सोचना पड़ेगा। फिर आप ले तो आए गर्मी किसी भी तरह करके, पानी से, स्टीम से या कुछ भी करके आप ले तो आए, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे कीजिएगा? और कन्वर्शन में इफ़िशेंसी होनी ज़रूरी है। मतलब अगर इफ़िशेंट नहीं रहा, मतलब बहुत सक्षमता से वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो नुकसान बहुत होगा। और आपको एक आइडिया देने के लिए कि मतलब अगर हम लोग 30 किलोमीटर नीचे तक चले गए तो मतलब कहिए इंसानियत का पूरा बिजली का खर्चा निकाला जा सकता है। लेकिन जो सबसे गहरा अभी तक बनाए हैं वो 12 किलोमीटर है लगभग, और इसको बनाने में मतलब 20 साल के आसपास लग गया। ये रशिया में है, डीप बोर होल बेसिकली। और तो ये सब हमारे तीन सबसे बड़े समस्या हैं। तो इसके आगे समझते हैं कि सबसे पहले ड्रिलिंग को सॉल्व करना, सबसे पहला तो वही झंझट के नीचे नहीं जा सकते तो ड्रिल कैसे करेंगे। तो बीच में एक बार आइडिया ट्राई किया गया था हाइड्रोलिक फ्रैकिंग का। ये तेल के लिए आजकल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर आपको तेल का कुआं दिख रहा है, और ऐसा नहीं कि वहाँ एक पूरा एक समझिए तालाब जैसा है कि जिसमें आप पाइप डाल के निकाल लें, और मतलब वो एब्जॉर्ब्ड है। खास करके गैस में ऐसा बहुत होता है, LNG, LPG ये सब के इसमें बहुत ऐसा होता है। तो वैसा हम लोग का क्या करते हैं कि वहाँ पे एक ड्रिल करके एक पाइप ले जाते हैं, और उसमें हाई प्रेशर वाटर या ऑयल जो भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस्तेमाल करके उसको हाई प्रेशर में वहाँ डालते हैं। वो क्रैक्स को बड़ा कर देता है, तो जब क्रैक्स बड़े हो जाते हैं तो उससे गैस सीप करके वापस आने लगता है। तो बेनिफिट तो है लेकिन साइड इफेक्ट ये अर्थक्वेक स्टार्ट कर देता है अगर ऐसा करने से। मतलब टेक्टोनिक प्लेट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रिक्टर स्केल पे 6 या 7 का अर्थक्वेक आएगा, बहुत हुआ तो 3 या 4 का आएगा। तो वो 3 और 4 और 8 के बीच में बहुत अंतर है। रिक्टर स्केल सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता, वो मतलब ये एक से दूसरे के बीच में 10 गुने का अंतर है। तो 3 बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 में आपको अगर आप गाड़ी में पता नहीं चलेगा, सो रहे हो तो पता भी नहीं चलेगा, 4 में आपका पूरा घर हिलने लग जाएगा, 6 में आपका घर सुहा। तो वैसा ही समझ के देखिए, तो हम लोग फ्रैकिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ड्रिल आपने कई बार देखा होगा कि ड्रिल जब भी पानी के लिए ड्रिल करते हैं या तेल के कुआं में डालते हैं तो पूरा रॉड घूम रहा है, मतलब जो भी उसमें ऐसे पाइप्स लगा लगा के नीचे डाल वो पूरा घुमाया जा रहा है। ये बहुत वेस्टफुल है, मतलब कम गहराई के लिए, मतलब जैसे आपका पानी के लिए बेयरली 1 किलोमीटर भी नहीं जाता है, तो कम गहराई के लिए आराम से आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं तब ये आप समझिए पाइप ही आपका इतना लंबा हो गया, 10 किलोमीटर का पाइप घुमाने में आप एनर्जी बर्बाद कर दे रहे हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोग को कुछ ऐसा तरीका चाहिए जिससे सिर्फ ड्रिल बिट घूमे। तो क्या ऐसा किया जाता है, जो डीप बोर होल आपके बारे में मैंने बात किया था जो रशिया में है, उसमें उन्होंने क्या किया कि पाइप से हाई प्रेशर ये लोग मड डाल रहे थे, जो हाइड्रोलिक ड्रिलिंग मड जिसको कहा जाता है, वो डाल के ऐसा उन्होंने हाइड्रोलिक मोटर लगाया था इस एंड में कि वो मोटर सिर्फ उसी से घूम रहा है, प्रेशर से पाइप के अंदर से प्रेशर में आ रहा है और बाहर निकल जा रहा है, और बाहर निकलने के दरमियान वो एक उसको रोटेट कर रहा है। जैसे आप अपना हम लोग का जो पानी का ड्रिल करते हैं उसमें हवा से ऐसा किया था ना, एयर कंप्रेसर से चलता है वो, तो वैसा ही ये लोग करते हैं, बस हाइड्रोलिक में मतलब फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, हवा का नहीं इस्तेमाल करते हैं। और इससे करके कर किया जा सकता है कि सिर्फ आपका ड्रिल घूमे, इससे काफ़ी एनर्जी बचती है। और क्या पता अगर भविष्य में हम लोग शायद वही मोटर ही लगा दें। मोटर लगाने में फ़ायदा है, नुकसान ये है कि ऐसा मोटर बनाना पड़ेगा जो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सके और मतलब हाई वोल्टेज पे चले, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर लो एम्प डाले तो एक तो ऐसे ही मोटर इतना गर्मी में है और अगर एम्प डालेंगे तो जल जाएगा सीधे। तो ऐसा बनाना जो हाई वोल्टेज पे काम कर सके, तो एसी इंडक्शन मोटर ही काम कर पाएगा, 3 फेज या 6 फेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो एक समस्या कि आप कैसे सिर्फ वो घुमाएंगे। दूसरा, आपको ये समझना कि आजकल लेज़र के टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की आ गई कि लेज़र अब इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक कंपनी है जिन्होंने एक डेमो बना के दिखाया दुनिया को कि कैसे लेज़र से ड्रिलिंग की जा सकती है। आप ये समझिए, लेज़र के जो डायोड होते हैं, मतलब जिससे आपका लेज़र निकल रहा है, वो बहुत बड़ा होता है। मतलब आप कहिए अगर आपको 20 किलोवाट का आपको लाइट कोई बोले तो इतना बड़ा होता है, 20 किलोवाट का लेज़र एक कमरे के साइज़ का होता है, तो ये समझ ली। और वो 20 किलोवाट ऐसा नहीं है कि 20 किलोवाट खा रहा है और 20 किलोवाट का लेज़र दे रहा है, वो 100 किलोवाट खाएगा और तो 20 किलोवाट का लेज़र देगा। तो ये इनफिशेंसी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ड्रिल बिट में डाल सकते हैं। तो अभी क्या किया जा रहा है कि जैसे एक बड़ा सा प्लांट बना के उसमें लेज़र बनाया जा रहा है, और फाइबर ऑप्टिक जो कि बहुत हाई क्वालिटी का है उसका इस्तेमाल करके इसको अंदर डाल रहे हैं।
फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि वो मतलब फाइबर ऑप्टिक्स ही गर्म होकर ना पिघल जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी वो अगर लीक किया एनर्जी तो आप समझ रहे हैं कई किलोवाट का लेज़र एनर्जी वो सीधे पिघला देगा। तो वो केबल से ये लोग क्या कर रहे हैं, लेज़र को पत्थर पे मार रहे हैं। अब फ़ायदा ये होता है कि आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सोचते होंगे कि सीधे ज़्यादा पावर का लेज़र डाल के सीधे पिघला क्यों नहीं दे। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप लेज़र कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डालें, जहाँ पे लेज़र पड़ता है वो वहाँ का भाप बना देता है, सीधे उसको उड़ा देता है। इसीलिए लेज़र से जब भी आप कोई मेटल काटेंगे, जैसे मान लोहा काटें या एल्युमिनियम काटें या स्टील काटें, हमेशा ये होता होगा कि उसका एजेस पे कुछ नहीं देखता, मतलब एकदम सफाई से कटता है। वो सफाई से इसलिए कट रहा है कि वो सीधे वहाँ भाप बन जा रहा है, सीधे वहाँ गैस बन जा रहा है। अगर वैसा करने लगे ड्रिलिंग के दरमियान तो समझिए कि वही गैस ही आपका सबसे बड़ा समस्या बन जाएगा। आपने लेज़र लिया, मारे, वो एकदम पूरा गैस बनाने लगा, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वही गैस आपका लेज़र को ब्लॉक करने लगेगा। शुरू शुरू में दिक्कत नहीं होगी कि जैसे मान लीजिए जमीन में अभी आप स्टार्ट किए बाहर निकल जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगी वो गैसेस अगल बगल जाने का कोशिश करेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ही आएंगे। उस दरमियान में ये समस्या हो जाएगा कि बहुत ऊर्जा डालनी पड़ जाएगी, मतलब गीगावाट में बात कर रहे हैं, मतलब आप पूरे देश का बिजली आपको डालना पड़ेगा तब शायद आप कुछ किलोमीटर तक जा पाएं, वो भी कुछ किलोमीटर तक। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि लेज़र को तो फाइबर ऑप्टिक से ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, बाहर पर बना ले रहे हैं, तो काफ़ी समस्या सॉल्व कर दी। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, ये लेज़र से सिर्फ गर्म कर रहे हैं। गर्म करके आप देखते होंगे कि पत्थर को अगर कई बार तोड़ने टाइम हम लोग उस पर कोयला रख रख के उसको गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडे पानी से ठंडा कर देते हैं, ये उसी टाइप का कर रहे हैं। लेज़र से 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं और उसके बाद लेज़र बंद कर दे रहे हैं। और 1500 डिग्री सेल्सियस आसमान का तापमान अगर मैं ये सिर्फ 100 डिग्री है तो वो चटक जाता है, मतलब तापमान में जो अंतर वो उससे चटक गया और उसके बाद ड्रिल आराम से उसको तोड़ देता है बिना टेंशन के। तो ऐसे अगर सीधे ड्रिल लगाएंगे तो 1500 हॉर्स पावर तक चाहिए, इससे सिर्फ 10 से 100 हॉर्स पावर में काम हो जा रहा है। तो इन्होंने अभी प्रूव कर दिया कि ये लोग 10 गुना एनर्जी कम कर देते हैं ड्रिलिंग के दरमियान। तो ये सब करके हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। चलो ड्रिल कर लिया, अब उसके बाद उस ऊर्जा को निकालेंगे कैसे? तो अभी का जो जितना भी जियोथर्मल प्लांट है वो ओपन साइकिल है। आप इसका मतलब ये समझिए कि पानी को इंजेक्टर वेल से सीधे नीचे डाला जाता है, पानी को वहाँ भाप बनने दिया जाता है और वो भाप को ये लोग दूसरे ड्रेन वेल से कलेक्ट कर लेते हैं। सब चीज़ बढ़िया है, ये काम करता है तभी तो यूज़ किया जा रहा है, लेकिन नुकसान ये है कि ये इसी के चलते इमिशन होता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि उस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता वो इसलिए होता है कि पानी वहाँ जब भाप बनता है तो वो काफ़ी सारे चीज़ को हटा रहा है, वो काफ़ी मतलब जो भी मिनरल्स हैं जो भी चीज़ वहाँ पे पहले से बसा हुआ उसको ठेल के हटा दे रहा है। तो CO2 निकल रहा है, मरकरी निकल रहा है, आर्सेनिक निकल रहा है। तो ये आप समझ रहे इमिशन इसी चलता होता है कि वो खुला हुआ है उस जगह पर। तो हम लोग स्टीम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नहीं तो आप वही उसी का समस्या में सुलझाते रह जाइएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो सॉलिड मतलब धातु मतलब ठोस हालत में ही गर्मी को ट्रैवल कर ले, मतलब कुछ वहाँ पे पानी को डाल के पानी को भाप बना के भाप को कलेक्ट करने के वैसे नहीं, सीधे सीधे फुल करने के लिए। तो सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए जैसे कि ग्राफीन। ग्राफीन अभी ताज़ा ताज़ा मटीरियल है, इसके बारे में अभी काफ़ी रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन जो जो रिसर्च हुआ उसमें ये हिसाब आया कि अगर आप मान लीजिए 10 किलोमीटर का तार बना देते हैं ग्राफीन का या 50 किलोमीटर का, एक साइड आप गर्म करेंगे दूसरा साइड वो गर्मी पहुंच जाएगी। आप स्टील में करेंगे तो गर्मी वो ले जाते ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत गर्मी वो लॉस कर देगा। तो ग्राफीन इस्तेमाल करके ट्रैवल किया जा सकता है और चूंकि वो धरती के अंदर है तो धरती खुद ही एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही है कि वो ज़्यादा गर्मी इधर उधर जाने नहीं दे रही है, नहीं तो ये सब काम नहीं करता, स्टीम ऊपर आते आते ही ठंडा हो जाता क्योंकि वो गर्मी इधर उधर जा नहीं पा रहा है तो आराम से आ सकता है। तो ये इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट का समस्या सॉल्व करेंगे और स्टीम ना यूज़ करने के चलते बहुत सारे और फायदे हैं जो मैं आगे आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए ठीक है, आपने वो कर लिया, अब इसको आप बदलेंगे कैसे? स्टीम से तो सबको पता है कि स्टीम से टरबाइन चलाया जा सकता है, हम लोग स्टीम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप भविष्य में चलाना चाहते हैं स्टीम से टरबाइन में, आपको ये समझना पड़ेगा बहुत पानी का नुकसान होता है। आप कोयले के पावर प्लांट में देखते होंगे जो दो तरह की चिमनी होते हैं, एक बड़ा कूलिंग टावर जो एकदम सिल्वर कलर का होता है, वाइट से सिल्वर कलर का एकदम बड़ा बड़ा होता है वो कूलिंग टावर, एक पतला से लंबा होगा जो कोल का गैस निकाल रहा है, मतलब सीधे एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो एकदम काला सा सूट टाइप सा निकलता रहेगा, तो वो तो इमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसमें भी देखते होंगे कि पानी क्यों निकल रहा है, जब स्टीम साइकिल में पानी को ठंडा किया जा रहा है तो पानी भाप में क्यों बन जा रहा है? ठंडा करने में हम लोग ये बहुत पानी भाप बना ही रह जाता है, मतलब वो ठंडा नहीं हो पाता है, तो बहुत पानी का नुकसान होता है। जैसे कोई पावर प्लांट आप देखिएगा तो उसको मतलब पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, कई कई तो नदी के पास बनाना पड़ता है क्योंकि इतना पानी वो पीते रहते हैं और मतलब पर मेगावाट वो पानी बर्बाद करते हैं। तो इस कारण से पानी का नुकसान ना हो स्टर्लिंग साइकिल यूज़ करना पड़ेगा। स्टर्लिंग साइकिल सोलर में आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है, जिसमें उसमें कुछ नहीं है, स्टीम है ही नहीं, वो सील है, पूरा सिस्टम सील है। स्टीम स्टर्लिंग के बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, एक तरफ गर्मी चाहिए आपको एक तरफ ठंडा चाहिए, जितना बड़ा अंतर होगा उतना अच्छा से काम करेगा, मतलब एक तरफ 1000 डिग्री है दूसरी तरफ 50 डिग्री है बहुत काम करेगा, तो जितना बड़ा गैप है उतना काम करेगा। और ये सिर्फ ऑसिलेट करता है तो AC करंट आता है इससे।
तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ करना पड़ता है, जैसे भारत में तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जियोथर्मल से आप बहुत एनर्जी निकाल रहे हैं लेकिन वो कहीं 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा, तो आपको तापमान का ग्रेडियंट मतलब जो अंतर है दोनों में वो बढ़ाने के लिए आपको जियोथर्मल का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है जियोथर्मल कूलिंग। मतलब आप उसको मिट्टी में ही दफना दें लेकिन बहुत नीचे नहीं, मतलब 100-150 किलोमीटर नहीं, आपको सिर्फ कुछ मीटर नीचे जाके, क्योंकि जैसे आपको पता है गर्मी में तो 50-60 डिग्री सेल्सियस आजकल पहुँच जा रहे हैं, तो वो ठंड मतलब समझिए आपको 100 डिग्री आ रहा है, आपको जितना अंतर रहेगा उतना ज़्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन बाहर का तापमान 50 डिग्री हो गया तब तो आप नुकसान में चले गए, तो मतलब सिर्फ 85 डिग्री का आपको बिजली निकल रहा है। लेकिन अगर आप ज़मीन के अंदर वो कूलिंग रेडिएटर सबको ज़मीन के अंदर डाल दिया जो जियोथर्मल में किया जाता है, वैसा कर देने से आपको वो सिर्फ 30 डिग्री तक रहेगा, क्योंकि ज़मीन कभी 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाती, मतलब सरफेस ऊपर का हो जाता है, मतलब ऊपर की सतह गर्म हो जाती है, लेकिन अगर आप अंदर खोद के जाएंगे वो हमेशा ठंडा रहता है। तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग भारत का गर्म तापमान को भी आसानी से कर सकते हैं। और मान लीजिए ठंडे के सीजन में ज़मीन गर्म हो गया और हवा ठंडा चल रहा है, तो अपना नॉर्मल एयर कूलिंग से काम किया जा सकता है। तो ऐसे करके हम लोग कन्वर्शन बिना पानी बर्बाद किए, बिना मतलब काफ़ी अच्छे से शांति से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या मतलब तकलीफ क्या आने वाली है? सबसे पहला टाइम टू ड्रिल, मतलब आपको कितना टाइम लगेगा ड्रिल करने में। आप जैसे आपको पता ही होगा सोलर पावर प्लांट बहुत जल्दी बन जाता है आजकल, मतलब एक साल में तो हम लोगों ने 800 मेगावाट का सोलर प्लांट बना डाला। कोयले पावर प्लांट भी 3-4 साल में बन जाते हैं, डैम को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 5-10 साल तक लग सकता है, लेकिन वो भी जल्दी ही बन जाता है। वो ड्रिल जो मैंने आपको बताया था 12 किलोमीटर तक गया था, उसको 20 साल से ज़्यादा लगा है, तो आप समझ सकते हैं ड्रिल आपको किसी को बेचना है ये सिस्टम, तो उसको ड्रिल तुरंत करना होगा, उसको ड्रिल मतलब सालों में नहीं उसको महीनों में करना होगा कि तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। तो ड्रिल करने का टाइम हम लोग को बहुत काटना है। दूसरा, जब ड्रिल करके गहराई पहुंच गए तो हम लोग को कुछ करना होगा जिसे कहा जाता है हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, मतलब ऐसे आप ड्रिल करके गए और फिर उसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, तो आप बोलिए यार ऐसे कैसे मोड़ देंगे, वो 90 डिग्री नहीं होता है, मतलब ऐसे गया और ऐसे 90 डिग्री मुड़ गया, वो धीरे धीरे कर्व होते 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 कर लेता है। हम लोग ऑयल ड्रिलिंग में इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मतलब आजकल ये होता है कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म है उसे खूब सारे एकदम ऑक्टोपस के पैर की तरह इधर उधर निकलता हुआ पाइप जाता है, ये हम लोग जानते हैं कैसे करना है, टाइम लगता है लेकिन पता है, तो ये करना ज़रूरी है। और चूंकि हम लोग आसपास की सारी मिट्टी की गर्मी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टीम तो सीधे हर जगह चला जाता है, इस मतलब अगर हम लोग सॉलिड केबल यूज़ करते हैं, ग्राफिन का केबल जो गर्मी वापस लाएगा, तो उस केबल को ही हर जगह घुमाना पड़ेगा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके मतलब एक जगह पर डालें, उससे कॉइल बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते जाएंगे, जितना जितना बिजली का ज़रूरत पड़ता जाएगा हम लोग उसको बढ़ाते चले जाएंगे। और फिर ठीक है वो सब तो हो गया, आप नीचे का गर्मी निकाल ले रहे हैं, ट्रांसफ़र भी कर ले रहे हैं ग्राफाइन केबल से, उसके आगे आपको करना क्या है कि हम लोग को जो स्टर्लिन साइकिल जो मैं इस तरह के इंजन आपको दिखा रहा हूँ, ये सब बनाया गया है हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट पे काम करने का, मतलब ठंडे और गर्म के बीच में बहुत अंतर हो तो ये सब बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कम तापमान के अंतर पे अच्छे से काम कर सके, जैसे कि मतलब 50-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंतर पे काम करना बनाना पड़े, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। स्टर्लिन के आपको छोटे छोटे मॉडल मिलते हैं मार्केट में, आप खरीद सकते हैं, वो तो आपके हाथ की गर्मी पे चलता है, बहुत ऊर्जा नहीं निकलता और बहुत इफिशियंट भी नहीं है, लेकिन काम करता है, तो हम लोग को उसका एफिशिएंसी भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब ये रेडी नहीं है, आप किसी कंपनी के पास जाके बोल सकते हैं हमको दे दो, दे देगा लेकिन इफिशियंट नहीं देगा, तो थोड़ा उस पर R&D करना पड़ेगा। फिर ग्राफीन के बारे में ये सोचिए, ग्राफीन सबसे अनटेस्टेड चीज़ है, बाकी सारा चीज़ टेस्टेड हो चुका है, ग्राफीन एकदम टेस्टेड नहीं है, वो कितना ऊर्जा लॉस करता है, ग्राफीन की क्वालिटी 100% तो होगी नहीं, कोई भी चीज़ आप 100% क्वालिटी का नहीं बना सकते। फिर उसके बाद भी थर्मोडायनेमिक्स के चलते क्या होता है, चूंकि धरती बहुत धीप रही है तो अलग कहीं जगह पे ज़्यादा धीप रही है, कहीं जगह पे कम धीप रही है, ये सबसे उस पर क्या असर पड़ेगा, ये काफ़ी ध्यान से इस पर हम लोग को समझना पड़ेगा। और ये सब तो ठीक है, और आप सॉलिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, मीथेन नहीं निकल रहा है, ये सब नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी जिस टाइम आप ड्रिल कर रहे हैं उस दरमियान बहुत चीज़ निकलेगा, उसको संभालना ज़रूरी है। जैसे कि उस डीप बोरवेल में जो ड्रिलिंग की गई थी जो 12 किलोमीटर तक है, वहाँ पानी निकलने लगा, और वो पानी ऐसा नहीं था कि बारिश का पानी उतना नीचे चला गया, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, वो 100 डिग्री सेल्सियस में था। वो हुआ क्या कि जैसे आपको पता है काफ़ी कोई भी मिनरल आप लें उसमें ऑक्सीजन होता है, उस गर्मी पे ऑक्सीजन नहीं उसके साथ रहा, लेकिन वो इतना दबा हुआ कि कहीं जा नहीं पा रहा, तो हम लोग ड्रिल के वो ऑक्सीजन निकल गया। हाइड्रोजन भी इसी तरह काफ़ी सारा दबा हुआ हाइड्रोजन है वो भी निकल गया, तो ये दोनों मिक्स उस ऊंचे तापमान पे ही मिक्स हो गए और पानी बन के आने लगे, और कई जगह तो हाइड्रोजन ही सीधे सीधे निकल रहा था। तो ये सब को संभालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके आप ड्रिल कर गए, आपको थोड़ा सोच के संभालना पड़ेगा। और अगर आप ड्रिल करते जा रहे हैं बढ़ाते जाना चाहेंगे आप ताकि आपका पावर आउटपुट बढ़ता जाए, तो इसलिए इसका थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ड्रिलिंग के दरमियान तो खास करके आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और इसका हमारे पर्यावरण पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पहला
सॉलिड स्टेट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैंने जियोथर्मल के बारे में बताया था कि उससे अर्थक्वेक आ सकता है, अगर पानी को सीधे वहाँ नहीं डाल रहे तो अर्थक्वेक नहीं आएगा, वो पहला बच गया। दूसरा इमिशन, जब एक बार प्लांट आप ड्रिलिंग कर चुके, ड्रिल जब बंद कर दिया आपने, तब कुछ नहीं निकल रहा है उससे, मतलब आप आराम से सील करके उसको छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपका। बनाए एक बार थोड़ा सा निकला, उसके बाद काम खत्म, कोई टेंशन नहीं है। फिर काफ़ी लोग सोचेंगे धरती ठंडा नहीं हो जाएगा क्या? धरती के अंदर जैसे कि आप तापमान देख सकते हैं इनर कोर में, जो एकदम धरती के सेंटर में है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस पे, ऊपर आते हैं 3800 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर 3000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज़्यादा गर्मी है धरती के अंदर कि वो हम लोग इंसान 100 टेरावाट के आसपास भी नहीं खाता है अभी बिजली, अभी भी नहीं खा रहे हम लोग, 25-26 टेरावाट खा रहे हैं। अगर 100 टेरावाट भी इससे निकाले इसको पता तक नहीं चलेगा, एक डिग्री सेल्सियस भी तापमान नहीं घटेगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। जैसे आप समझिए सोलर पैनल से आप धूप को दिखाते तो धूप का क्या बिगड़ेगा उससे? हाँ, आप जमीन नीचे का ठंडा नहीं कर, मतलब गर्म नहीं होने दे रहे, लेकिन सोलर पैनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई तापमान पे तो फर्क नहीं पड़ता, ये बस उसका उल्टा है, सोलर पैनल को समझिए अंदर है जमीन के, तो धरती को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर हम लोग 100 मेगावाट मतलब 100 टेरावाट भी निकालने लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंख मूंद करके धरती को पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ। और मान लीजिए कि वहाँ पे ये होने लगे, वो जगह ठंडा होने लगा, अगर आप गर्मी उससे निकाल रहे वो ठंडा हो ही जाएगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा ही ठंडा होगा, तो ऐसा मान लीजिए वो हो गया कि वो ठोस हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया वो जगह, हो सकता है, संभव नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलता डुलता रहता है, वो अपने आप टूटता रहेगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, धरती को पता तक नहीं चलेगा कि ऐसा आप कुछ कर रहे हैं। दूसरा, स्टर्लिंग इंजन अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का इमिशन पहले घट जा रहा है, दूसरा पानी का बर्बादी नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट पे सारे इफेक्ट हटाया कि आप अनंत ऊर्जा का सोर्स निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, समझ में आया हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड ऑफ फ्यूचर फ्राइडे में, मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।